धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी बंदी छोड़दाता जिन्हां ने जदों खुद की रिहाई हुई जहांगीर बादशाह तो 52 पहाड़ी राजां की फरियाद करन ते उन्हां नूं भी नाल ही रिहा करवाया। ये वो थम वो स्थान आ जिथे कैद के दौरान इन्हां थम्मां दे नाल उन्हां राजां नूं बन्निया गया सी। ते जदों गुरु हरगोबिंद साहिब जी इत्थों ग्वालियर के किले चों रिहाई हुई, रिहाई दौरान उन्हां राजां पुकार कीती वी हे महाराज तुहाडे इत्थे रहण नाल सानूं शांति सी, सानूं कैद कटनी सौखी हुई पई सी, हुण तुसीं चले गए ते साडे फिर बुरे हाल हो जाणगे, किरपा करो साडे ते रहमत करो, सानूं वी इस कैद दे विच्चों निजात दवाओ। शहनशाह प्रीतम श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जहांगीर नूं कहा भी असीं कल्ले इस किले दे विच्चों नहीं जाणा, असीं आ राजां नूं वी नाल लै के जाणा। जहांगीर ने यह शर्त लगा दिती कि जिहड़ा तुहाडे चोले दी कन्नी फड़ के बाहर निकल जाए वह इत्थों जा सकदा। मेरे शहनशाह प्रीतम गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 52 कलियां का चोला तैयार करवाया और उन्हां राजां नूं एक एक कली फड़ा के पल्ला फड़ा के इस कैद दे विच्चों बाहर कढवाया। आ उस समय दे 52 थम जो गवाही भर रहे आ जिथे वो राजां नूं कैद दौरान बन्निया जांदा सी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आ अगे जगह है जिहड़ी विखाउने आ जदों किते 5-7-10-20 दिनी उन्हां नूं राजां नूं नहाउण दा टाइम दित्ता जांदा सी। इस गुप्त दरवाजे थाणी जिहड़ा हुण अगों बंद पिया वा इह थाणी लंघा के फिर इस कुंड दे विच इशनान करवाया जांदा सी। इत्थे उन्हां नूं नहाउण दा आर्डर सी, ਉਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਥਾਣੀ ਉਤਰ ਕੇ 5-10 ਗਲੀ ਨਹਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜਦਾਤਾ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਅੱਜ ਝੂਠੇ ਹੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰੋਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।